गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ मैं आपको जो भी वीडियोस के माध्यम से पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ उसे आप अपनी कॉपीज में नोट कर रहे होंगे और साथ ही साथ याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आपको क्लास सेकंड की हिंदी लिटरेचर के पाठ देश हमारा का पार्ट टू बताने जा रही हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि देश हमारा कैसा है और इतना सुंदर क्यों है। आइए अब हम पार्ट टू के माध्यम से जानेंगे कि हमें अपना जीवन कैसे सफल बनाना चाहिए। आइए हम निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ जानें। ऋषि मुनियों की है ये धरती, पावन गंगा धारा बहती, अर्थात हमारी भारत भूमि, हमारी धरती ऋषि मुनियों की से भरी हुई है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और यहाँ पर कौन सी धारा बहती है? पावन गंगा नदी, पवित्र ये धारा बहती है जो हमारे भारतवर्ष को सींचती है और सबके दुखों को दूर कर देती है। आओ इसको शीश नवाए, इसके सारे दुख मिटाएं। ऐसी पवित्र धरती को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करें, सर झुकाएं और इनके सारे दुखों को हम समाप्त कर दें। अंत में मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं? अपनी मातृभूमि की सेवा करके। बच्चों, हमने अभी आपको कविता के पंक्तियों के अर्थ समझाए और आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब उपरोक्त जो पंक्तियाँ हैं इन्हें पद्यांश कहा जाता है। इन पद्यांशों के ऊपर आधारित हमने कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं जिनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोकिए, रोक रोक के पॉज कर करके उन्हें लिखते जाइए। जब लॉकडाउन खुलेगा हम आपकी एक एक बच्चे की कॉपी को चेक करेंगे। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसका उत्तर हुआ, उपरोक्त पद्यांश देश हमारा नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न दो, किस नदी को कवि ने इस कविता में पावन बताया है? उत्तर दो, कवि ने गंगा नदी को इस कविता में पावन बताया है। पावन अर्थात पवित्र, शुद्ध, प्योर। प्रश्न तीन, हमारी धरती कैसी है अर्थात हमारी पृथ्वी कैसी है? उत्तर तीन, हमारी धरती ऋषियों मुनियों की है अर्थात इस पृथ्वी पर अनेक ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया है। प्रश्न चार, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है? उत्तर चार, क्या कर्तव्य है? हमें मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। हम अपना जीवन कैसे सफल बना सकते हैं? हम मातृभूमि की सेवा करके, इस पृथ्वी की सेवा करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। बच्चों, अभी हमने आपको जो प्रश्न उत्तर कराए हैं, आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा और आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में धीरे धीरे करके लिख रहे होंगे। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम हर बच्चे की कॉपी को चेक करेंगे और उसके बाद में जैसा आप लोग करेंगे उसी हिसाब से आपको गुड, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री सब देंगे आप लोग को। थैंक यू, धन्यवाद।